साथियों, जिस प्रकार से ब्रूडर के लिए हम लोगों ने स्थान देखा था, पक्षियों के लिए स्थान देखा था, ठीक उसी प्रकार से कई बार परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि जो फीडर्स होते हैं यानी कि खाने के लिए जो हम पात्र रखते हैं वहां पर पक्षियों को कितना स्थान दिया जाता है। तो यहाँ अभी अभी हम एक टेबल बात करेंगे आपकी कि फीडर्स स्पेस फॉर द बर्ड्स यानी कि प्रत्येक पक्षी को खाने के लिए कितना स्थान दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो हम बात करेंगे ये भी उनकी उम्र के अनुसार करेंगे और शायद आपको पता होगा कि पक्षी जो होते हैं वो एकल में या सिंगल रूप में खाना पसंद नहीं करते, वो झुंड में खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक पक्षी को लंबाई में हम कितना स्थान देंगे, तो यहाँ पर हम जो भी स्थान देंगे वो लीनियर सेंटीमीटर यानी कि लंबाई में कितनी जगह एक एक पक्षी के लिए हमें छोड़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर पक्षी की जो उम्र है वो 0 से 2 सप्ताह के बीच की है यानी कि प्राइमरी जो स्टेज है, शुरुआत की जो उम्र है छोटे चूजे के लिए, उसमें एक चूजे को हम जो स्थान देंगे वो देंगे लगभग 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर की लंबाई में एक जो चूजा होता है वो दाना चुगने के लिए जाता है, तो उसको इतना स्थान देना पड़ता है। लेकिन अगर उसकी उम्र 3 से 6 सप्ताह के बीच की हो जाती है तभी जो स्थान होता है ये लगभग 4 सेंटीमीटर लंबाई में हो जाता है। तो एक पक्षी को फिर हम लोग 4 सेंटीमीटर का स्थान देते हैं। लेकिन अगर उसकी उम्र, पक्षी की जो उम्र है चूजे की, वो 7 सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह के बीच की हो जाती है तब उसके लिए जो स्थान होता है वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर हो जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि यदि पक्षी की उम्र 13 सप्ताह या उससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर प्रत्येक पक्षी को लगभग 10 सेंटीमीटर का स्थान हमारे को दाना खाने के लिए देना है। तो यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए तो 2.5 सेंटीमीटर है पहली स्टेज, दूसरी है 4 सेंटीमीटर, थर्ड जो है वो तीसरे नंबर पे 7.5 है और फिर 10 सेंटीमीटर है। आपको थोड़ा सा अगर इसको ट्रिक के हिसाब से अगर याद करना है ना, तो आप इसको वैसे भी याद कर सकते हैं कि इसको हमने 2.5 बोला है, 4 की बजाय 5 बोल देंगे तो 2.5, 5, 7.5 और 10 इन्हें वैसा अगर देखा जाए तो हर एक के बीच में 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर का जो गैप है वो आ रहा है। और यहाँ अगर देखा जाए तो वैसे 0 से लेकर के 2 है, फिर 3 से लेकर के 6 है, 7 से लेकर के 12 है और फिर 13 सप्ताह से ज़्यादा है। तो यहाँ की जो 4 कैटेगरी है उसमें 0, 3, 7 और 13 आपको इस प्रकार से याद कर लेना है। और इधर से याद नहीं करते, यहाँ से करेंगे 2, 6, 12 वैसे याद हो सकता है। तो अगर आप वैसे याद करेंगे ना कि इतनी उम्र पे कितना स्थान देना है, तो सामने वाली जो टेबल है उसका डाटा बड़ा इजी हो जाएगा कि 2.5 सेंटीमीटर, फिर 5 कर देंगे हम, फिर 7.5 कर देंगे और फिर 10 कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना कि जो 5 सेंटीमीटर ये 5 नहीं, ये 4 है। तो यहाँ पर आपको अगर स्थान याद करना ही है तो आप ब्रूडिंग के लिए भी याद करेंगे, पक्षियों के लिए भी याद करेंगे और फीडर्स मतलब कि दाना खाने के लिए भी स्थान याद करना है। और परीक्षा में बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि जो स्पेस पूछा जाता है तो वो समझ नहीं पाते कि स्पेस को किस प्रकार से याद करना है। तो आप अगर इनको थोड़ा सा लॉजिक लगा के याद करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए याद करना थोड़ा सा आसान रहेगा और परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएंगे और आप उनको अच्छे से सही करके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।